सो हे गाइस, वी आर बैक और आज हम रिव्यू करेंगे दी बैटमैन के बारे में। तो हम सब जानते हैं बैटमैन की मूवीज और उसके ओरिजिन के बारे में, साथ ही हम उस कैरेक्टर से काफी ज्यादा रिलेट भी कर पाते हैं और ये मूवी भी उन्हीं मूवीज से सिमिलर है जैसा कि एक बैटमैन की मूवी को होना चाहिए। तो ये मूवी 3 घंटों की है और इन 3 घंटों में काफी कुछ दिखाया है और देख कर मजा ही आ जाता है और एंड तक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। तो अब हम आते हैं इस मूवी की स्टोरी पे। तो इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और आपको देखने में मजा ही आ जाएगा और काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी लगती है, जो एक बैटमैन की मूवी से एज एक्सपेक्टेड है। सो इस मूवी में जो बैटमैन का कैरेक्टर है वो अभी स्टार्टिंग के स्टेज पर ही है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा परफेक्शन का एक्सपेक्ट मत करना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैटमैन के पास कुछ सुपर पावर्स नहीं है और वो रियलिटी के काफी ज्यादा करीब है, तो उसे चोट भी लगती है और एज अ ह्यूमन वो मिस्टेक्स भी करता है। और ये मूवी काफी ज्यादा लेंदी भी है, तो इसमें सारे कैरेक्टर को काफी अच्छे से डेवलप भी किया गया है। कुछ लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा लंबी और काफी स्लो लगेगी, लेकिन सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। तो अब हम आए इसके एक्शन पर। तो इस मूवी में जो भी एक्शन सीन्स हैं वो काफी ज्यादा बिलीवेबल और रियलिस्टिक लगते हैं और इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। और जो कार चेस सीन था ना, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, वो तो काफी ज्यादा मस्त था। तो अब हम आते हैं इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक पे। तो इस मूवी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, सुनने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मूवी इस कैरेक्टर को प्रॉपर थीम म्यूजिक भी प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि रिडलर को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरी मूवी बैटमैन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, बाकी के कैरेक्टर्स जैसे फेड ही हो गए हैं। जैसे कि अल्फ्रेड, जो कि बैटमैन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और उसका इस मूवी में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सो ही नहीं हुआ है। और ये ऐसे ही फील हो रहा था जैसे जार्विस बिना आयरन मैन, वैसे ही अल्फ्रेड बिना बैटमैन। और इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट है बैटमैन खुद। इस मूवी में बैटमैन को पब्लिक से ज्यादा क्लोज दिखाया है, ना कि दूसरे बैटमैन की मूवीज की तरह पब्लिकली अपने आप को शो ना करते हुए। और लास्ट में ऐसा लगता है जैसे मूवी खत्म हो गई है, लेकिन जो लास्ट में बैटमैन वेंजेंस से होप की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, उसे देखकर ऐसा लगता है अभी तो मूवी की बस शुरुआत ही हुई है। तो बात ये आती है, आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? अगर आपको क्राइम थ्रिलर और एक्शन जैसी मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी बहुत जबरदस्त लगेगी और आपको ये जरूर देखनी चाहिए। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आप भी बैटमैन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली और भी ऐसी वीडियोस देख पाएं।